और पूरा लगा के उसको पूरा लगा के हाँ पावर को लगा के उसको ऑन करें, तो आपको मतलब वोल्टेज भी मिला, वोल्टेज भी पूरा मिला सर, पूरा और किसी प्रकार का एरर मिला क्या नहीं, आपको? पूरा एंडलेस सर, एंडलेस यस सर। इसके ऊपर कुछ है क्या? नो सर, जो भी हमारी क्लासेस हो रही है मतलब एंडलेस हो रही कि नहीं सर। हो रही? अब हम लोग को पहले पूरा मोबाइल पीसीबी दिखता था, अब उसकी नसें दिखती हैं सर। कहाँ चलिए मेरे साथ, क्या किया अभी लाइव में? अभी कौन सा मोबाइल बनाया आपने सर? Realme 3। Realme 3, क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर? सर उसमें BSI लाइन मिसिंग थी। BSI लाइन मिसिंग थी, आपने वो ढूंढी, उसको बनाई? जी सर। और ये तत्काल खाली क्लास के बाद का प्रभाव है ना? यस सर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोन इनका चालू हो गया, इन्होंने सेकंड पावर निकाल के लगाया है दोबारा से, और इन्होंने BSI को ट्रेस भी किया है। तो बताइए सर ने जो जो चीज़ आपको कंपोनेंट के बारे में बताया था कि आपको BSI की लाइन में ये कंपोनेंट मिलेगा सीरीज में और पैरेलल में, तो वो चीज़ मिला कि नहीं मिला? यस सर मिला पूरा। कैसा लगा आज BSI का क्लास आपको? बहुत शानदार सर। शानदार लगा? अभी आपके पास BSI से रिलेटेड, बीथर्म से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप उसको रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर, कर पाएंगे। कितने टाइम में आपने इसको डायग्नोस किया सर? 10 से 15 मिनट में सर। 10 से 15 मिनट में। क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के एसेट टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो? सर वो अपना टाइम वेस्ट ना करें गलत जगह पे, वो सही जगह पे आए एशिया टेलीकॉम और अपना अपने आप को बेहतर करें आने वाले दिन के क्लास में भी। आपको कैसा लग रहा है? आपको सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं? बहुत कुछ सीखा सर, बहुत कुछ सीख, पूरा A to Z बता दिया, एंडलेस सॉल्यूशन बता दिया। चलिए ठीक है। ओवरऑल मैं बात करूँ कि BSI कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होता है के बारे में? हाँ सर, पैड टू पैड बताया, IC के पैड कैसे काउंट करना, कहाँ से कहाँ कनेक्शन होता है वो सब बता दिया। अगर अपने पास बोर्ने वो नहीं रहेगा, कोई भी अपने पास अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा तो भी अपन उससे ट्रेस करके बना सकते हैं सर। सर ने बताया हाँ सर, लाइन कहाँ होके कहाँ जाता है कि हाँ सर IC में आपको मिल सकता है? हाँ सर। 28 जुलाई का बैच, सबसे पहले आप बताइए कल किस किसने CPU निकाल के चालू किया सेट? मुझे सबके हाथ, मुझे जिस जिसने चालू किया बताइए। बिंदास, कोई धोखेबाजी से हुआ है क्या? तुक्केबाजी से? पूरी टेक्निक से हुआ है ना? टच मैटर से हुआ है ना? ऐसा तो नहीं हुआ कि इसे ऊपर ऐसे घुमा देने का और फिर हटा देने का? टच किया है कि नहीं किया है? तीन तीन बार, पांच पांच बार सर। किस किसने किया तीन तीन बार पांच बार बताओ, अपना नंबर बताओ। तीन बार क्या किया है? CPU को रिमाउंट करके चालू किया सेट, उसमें हमने कितनी मेहनत की आपके साथ, कितनी बार बताया आपको या कितनी बार आपका हाथ पकड़ा हमने? नहीं सर, जो मतलब ट्रिक बताया गया सर किया हमने रिमाउंट, बताओ हमने किया 6 बार किया सर। 6 बार किया? 4 बार। इससे पहले तुमने कितनी बार किया था यहाँ से पहले? नहीं किया था सर। सच बताइए? वो पहले थोड़ा बहुत छोट पावर AC वगैरह करता था लेकिन वो होता नहीं था। CPU नहीं किया सर कभी। कितनी बार? 3 बार। ये जुड़ी है लाइन, ये लाइन दिख रही है ना पूरी लाइन? अब यहाँ पर जो GR आएगा वो आएगा पावर से आना चाहिए। आ रहा है GR? अगर पावर हटाऊंगा तो यहाँ का GR क्या हो जाएगा? और अगर CPU हटाऊंगा तो कहाँ पे GR खत्म हो जाएगा? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अगर 2 रजिस्टर लगे हैं तो दोनों रजिस्टर को हटा के मैं GR चेक कर सकता हूँ ना? अब देखो ये वीवो वाला सेट देखो, ये देखो ये आ रहा है अनेबल टू चार्ज, ये एरर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है बीच में, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क आ रहा है अनेबल टू चार्ज, ये आपकी बैटरी को चार्ज होने टेम्परेचर नहीं लिखा, मतलब ये BSI का फॉल्ट है। किसका फॉल्ट है जल्दी बताओ? BSI का फॉल्ट है। अब सिर्फ और सिर्फ वीवो के हैंडसेट में एक अलग सर्किट बनता है, सिर्फ और सिर्फ किसके हैंडसेट में? रिमाइंडर का जितना भी। और क्या नाम है आपका? अजय सर। अजय जी कहाँ से हैं? लखनऊ से सर। लखनऊ से हैं आप जी सर। मैं बात करूँ आज आपकी 5वें दिन की क्लास है और BSI का सेक्शन था, बीथरम का और BVAT का सेक्शन था, तो कैसा लगा क्लास आज आपका? सर बहुत शानदार क्लास था। क्लास शानदार रहा? यस सर। तो मैं अभी बात करूँ आपसे तो ये आपके आपके कौन सा फोन है? MI 5 है सर, Redmi 5। Redmi 5? यस सर। तो Redmi 5 है, इसमें आप क्या करने वाले हैं? इसका पावर निकाल के और सप्लाई वगैरह चेक करके डायग्नोस करके और इसको फिर से ऑन करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि कौन सा सर्किट लगा हुआ? PMI का सर्किट का है, MediaTek का है सर, ये Qualcomm है सर, और ये PMI में इसकी सप्लाई जाती है सर, वो भी BSI की सप्लाई, BSI बीथरम की लाइन कहाँ जाती है, सब सारी चीजें आपको सर ने बताई हैं। यस सर। तो आप इसको IC निकाल के और इसको डायग्नोस करने वाले हैं अभी? यस सर। चलिए ठीक है, दिखा दीजिए एक बार फोन चालू है कि नहीं। यस सर दिखा रहे सर। तो यहाँ पे आप चालू करें तो यहाँ देख पा रहे होंगे फोन बिल्कुल चालू है,
और इसका BSI आप ट्रेस करने वाले हैं। यस सर। तो चलिए ठीक है, ट्रेस करिए और डायग्राम बनाइए, फिर देखते हैं, वीडियो में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ़ोन इनका चालू हो गया है, इन्होंने सेकंड पावर निकाल के लगाया है दोबारा से, और इन्होंने BSI को ट्रेस भी किया है। तो बताइए सर ने जो जो चीज़ आपको कंपोनेंट के बारे में बताया था कि आपको BSI की लाइन में ये कंपोनेंट मिलेगा सीरीज में और पैरेलल में, तो वो चीज़ मिला कि नहीं मिला? यस सर, मिला पूरा। कैसा लगा आज BSI का क्लास आपको? बहुत शानदार सर। शानदार लगा? अभी आपके पास BSI से रिलेटेड, बीथर्म से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप उसको रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं? यस सर, कर पाएंगे। कितने टाइम में आपने इसको डायग्नोस किया? सर 10 से 15 मिनट में। सर 10 से 15 मिनट में। क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो? सर वो अपना टाइम वेस्ट ना करें गलत जगह पे, वो सही जगह पे आए एशिया टेलीकॉम और अपने आप को बेहतर करें आने वाले। क्या नाम है आपका? दिवाकर कुमार सर। सर इधर देखिए, दो मिनट आपको इंटरप्ट करेंगे। कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी से। आज आपका क्या सेक्शन था? सर BSI और थर्मो टेम्परेचर का था। तो कैसा रहा क्लास आज? सर बहुत अच्छा क्लास रहा। किसके साथ अच्छा क्लास थी आपकी? सर देव सर के साथ थी। देव सर के साथ क्लास थी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप स्कीमेटिक के थ्रू सारी चीज़ें डायग्राम से बताया सर ने? जी सर। तो कैसा रहा क्लास? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अगर आपके पास कोई BSI से रिलेटेड, थर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको रिपेयर कर पाएंगे? 100% सर। 100% कर पाएंगे? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आसिफ मुलानी। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र पुणे से हो सर। क्या सेक्शन था आज आपका? आज हमारा VVAT का सेक्शन था, चार्जिंग कनेक्टर, VVAT सप्लाई, उसके बाद में थर्मल लाइन, BSI लाइन, इसका नॉलेज था आज। तो कैसा रहा क्लास? क्लास अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। चलिए मैं बात करूँ आज आपसे कि अगर BSI से रिलेटेड अगर आपके पास कोई दिक्कत आ जाए तो आप उसको रिपेयर कर पाएंगे? इजी। कितने फॉल्ट आते हैं? चार्जिंग एरर, चार्जिंग टेम्परेचर लो, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। सर्किट आते हैं, कितने सर्किट आते हैं BSI VTHRM के, वो सारी चीज़ें बताई सर ने? हाँ सर, पूरा A to Z बता दिया, एंडलेस सोल्यूशन बता दिया। चलिए ठीक है, ओवरऑल मैं बात करूँ कि BSI कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होता है करंट बारे में? हाँ सर, उस बताया सर। हाँ सर, पैड टू पैड बताया, IC के पैड कैसे काउंट करना है, कहाँ से कहाँ कनेक्शन होता है, वो सब बता दिया। अगर अपने पास बोर्नियो नहीं रहेगा, कोई भी अपने पास अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा तो भी अपन उससे ट्रेस करके बना सकते हैं सर। सर ने बताया। हाँ सर, लाइन कहाँ होकर कहाँ जाता है? हाँ सर, IC में आपको मिल सकता है। हाँ सर। तो चलिए मैं बात करूँ आज आपका, कितने दिन की क्लास हुई?
चार दिन खत्म हो गया और पांचवे दिन का आज आपका क्लास है जी। तो मैं बात करूँ आज सर्किट का नॉलेज कैसा लगा दिया सर के साथ? बहुत बढ़िया लगा सर। एंडलेस मिला जी सर, एंडलेस मिला सर। जो नहीं सीखा था, जो हमको कुछ पता नहीं था, वो आज हमको कुछ नया ज्ञान मिला है। क्या क्या अभी लाइव में, अभी कौन सा मोबाइल बनाया आपने? सर Realme 3। Realme 3, क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर? सर उसमें BSI लाइन मिसिंग थी। BSI लाइन मिसिंग थी, आपने वो ढूंढी, उसको बनाई? जी सर। और ये तत्काल खाली क्लास के बाद का प्रभाव है ना? यस सर। सर हाँ बताइए। आज BSI का क्लास था, बहुत बढ़िया हो रहा। जो हमको नॉलेज नहीं था वो पूरा फुल्ली नॉलेज मिला है हमको। अभी तो डाउट पूरा क्लियर है आपका? क्लियर है। कहीं से कहीं तक कोई डाउट है किसी प्रकार का? नो सर। एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं आपके हाथ में? चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देव सर ने जो आज हमारे को नॉलेज दिया है जी, वो हमारे पास नहीं था सर, कभी कुछ भी नहीं था इसके लिए। हमारे जो आज BSI की जो लाइन हमारे को ट्रैक वगैरह बताई है सर, ये हमारे को ये नॉलेज नहीं था। आज से हमारे पास पहले कई मॉडल रिटर्न चले गए सर, लेकिन जो आज हमारे को सीख मिली है वो आज अगर हमारे को बताए कोई भी मोबाइल कोई किसी भी प्रकार का हमारे पास BSI का है तो हम उसको तैयारी में कर देंगे सर। तो ये बताओ मेरे को कि ये क्लास कठिन थी कि सरल थी? बहुत सरल, सरल बिल्कुल। आप मिस कर रहे होंगे कि आपने क्या खोया, मतलब अभी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कितने सेट रिटर्न करे होंगे? बहुत रिटर्न गए सर, हमारे काफी इनकम चले गए। पहले अगर होते तो बहुत अच्छा होता था, इतने दिन जो वेस्ट किया वो बहुत, इनकम इतनी चले गई। अगर ये पहले बहुत इनका हमारा लॉस हो गया, ये पहले आता था तो बहुत अच्छा होता था सर। अब गुलाम अब तुम्हारे पास से कोई मोबाइल वापस जाएगा? नो सर, ये फॉल्ट का था, आग बंद करके कर दीजिए सर। और फोर्नियर नहीं रहेगा तो मैन्युअली हम पैड लाइन, हां सर पैड लाइन बना के खुद प्रेस कर सकते हैं। यस सर, रिग है वो कहां मिल सकती है? यस सर। और पूरा लगा के उसको पूरा लगा के, हाँ, पावर को लगा के उसको ऑन करें तो आपको वोल्टेज भी मिला, वोल्टेज भी मिला पूरा, और किसी प्रकार का एरर मिला क्या? पूरा एंडलेस सर, एंडलेस सर। इसके ऊपर कुछ है क्या? नो सर। जो भी हमारी क्लासेस हो रही है मतलब एंडलेस हो रही है कि सर? अब हम लोग को पहले पूरा मोबाइल PCB दिखता था, अब उसकी नसें दिखती हैं सर। कहाँ मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। यस सर, बताइए कैसी रही क्लास आपकी आज की? देव सर के साथ क्लास थी आपकी? सर इतनी मस्त क्लास रही है ना सर। क्या चीज अच्छी लगी आज की क्लास में, ये बताओ मेरे सर। क्लास में तो सारी चीज अच्छी लगी, लेकिन जो आज जो दिल खुला है ना, मतलब नॉलेज हुई है कि हाँ भाई इनकी जो मतलब अंदर बारीकी से जो लाइनें जा रही है, और हमें पता ही नहीं था सर कि कैसे रजिस्टर का क्या काम करता क्या नहीं, बट ये है कि आज ऐसा पता लगा कि मतलब समझ ही आ गया कि हाँ भाई ये ऐसा होता भी है। तो आपको एंडलेस नॉलेज मिला कि नहीं मिला? यस सर। अभी कोई BSI बी थर्म से रिलेटेड कोई फॉल्ट होगा तो वापस जाएगा क्या? वो यार कभी भी नहीं जाएगा सर। संबंधित उसके बारे में डायग्नोस करने के लिए बताया, उन्होंने जो भी बताया बहुत यूजफुल था, हमने उसको बहुत कुछ सीखा उससे, और हमने किया भी सही, लाइव किया हमने, यहाँ पे बनाया फॉल्ट पकड़ा उसका और एकदम उसको वापस चालू किया। बताइए आप जो चीज लेने आए थे एशिया टेलीकॉम में, आप लाइनों का नॉलेज लेने आए थे, तो वो लाइनों का नॉलेज आपको कैसा मिल रहा है? बहुत मस्त मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, मतलब ना सोचे थे उससे बहुत कुछ ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा। BSI का लाइन और BEd का लाइन जो बैटरी लाइन सर, उसका जो नॉलेज मिला है वो बहुत बढ़िया मिला है सर। सर और जो इस इंस्टीट्यूट के पिलर बोलेंगे ना, तो प्रैक्टिकल के लिए देव सर है, और सर थ्योरी के लिए MD सर और दीपक सर, सर ये दोनों बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पे और कितना भी कुछ भी पूछो या जितना भी, तो सब आपको हेल्प के लिए कभी भी है सर। कोई कभी कोई दिक्कत आती है कि आप अगर ट्रेसिंग करने में फंस रहे हो, या IC का पेड लाइन उड़ा दिया, आपको लाइन समझ में नहीं आ रही है, आप सीखने आए हो, हाँ आपको हमको टीचर की जरूरत पड़ेगी, तो कोई ऐसा टीचर पीछे भागता है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं सर, कभी नहीं। इनफेक्ट कल सर मेरा एक ये हो गया था, तो दीपक सर ने मुझे उसमें हेल्प कर दिया, और उनने मेरे को बताया कि कैसा ये करना है, कौन सा एक कंपोनेंट था वो मिसिंग हो गया था, तो उनने ही मेरे को क्या बोलेंगे दीपक सर के लिए? सर दीपक सर, सर एक्सीलेंट सर। चलिए तो आज आपकी क्लास को कितने दिन हुए? सर पांचवा दिन है आज। आज पांचवा दिन है, काम कितने साल से कर रहे थे? सर वो टाइम हो गया था, फिर भी बहुत टाइम मतलब आज से मतलब मेरे को हो गए 5-6 साल। छह साल हो गए जी सर। तो 6 साल का अनुभव और 5 दिन का अनुभव, कौन सर, बहुत अंतर है सर। ये अनुभव तो मतलब ये कहीं नहीं मिला सर। अब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मिला मेरे को एशिया टेलीकॉम में। तो आप ये चीजें जो बोल रहे हो, ये दिल से बोल रहे हो? दिल से सर, दिल से। मैंने किया ना काम, किया ना मैंने 5 दिन में, जो मेरे को बताया, मेरे को सब नॉलेज है, मैं बता सकता हूँ। आज जो क्लास हुआ उसके बारे में भी मैं पूरा बता सकता हूँ, मैंने खुद ने डायग्नोस किया। अभी आपको जिस लेवल का नॉलेज आपको देव सर दे के पहुँचा रहे हैं, हार्डवेयर का नॉलेज दे के पहुँचा रहे हो, 8-6 घंटे 7 घंटे
आठ घंटे आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, फिर आपको यहाँ से प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं, तो ये जो देवसर की थीम है, जो पढ़ाने का तरीका है, क्लासेस चलाने का तरीका है, ये आपको तरीका कैसा लग रहा है? बहुत शानदार है सर, अनबिलीवेबल है, बहुत शानदार है। टीचर हार्डवेयर के लिए अपॉइंट कर रखे हैं यहाँ, यस सर, तो वो तरीका कैसा लगा आपको? क्या वाकई में प्रैक्टिकल होना चाहिए? हाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो देवसर समझाते हैं उससे तुम्हारा बेस बनता है, बेस बनता है, पूरा बेस बनता है, पूरा दिमाग में आता है, और उसको फिर आप यहाँ पर पीसीबी ऑन बोर्ड जब देखते हैं, जब पूरा दिमाग में आता है, पूरा दिमाग में बनता है, प्रैक्टिकल होता है। हाँ सर, आईसी उतार के पूरी पेड लाइन बताते हैं सर। हाँ बताते हैं सर। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल पांच दिन की बात करूँ तो कैसा लग रहा है? बहुत शानदार है सर, बहुत शानदार, रुकना चाहता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?